हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि बुद्धि क्या है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आईक्यू का क्या कंसेप्ट है, आईक्यू के बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा ट्रिक भी याद करेंगे कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। ट्रिक सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस एक तरह की एबिलिटी होती है, एक तरह की योग्यता होती है, क्षमता होती है। मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी कभी आप बुद्धि शब्द पढ़ते हैं, कहीं भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं कि बुद्धि से संबंधित प्रश्न है, आप उसे बुद्धि मत पढ़िए, आप उसे क्षमता बोलिए, आपकी कभी गलती ही नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि एक प्रकार की क्षमता है। अब आप पूछेंगे कि मैम कैसी क्षमता है, तो चलिए मैं समझाती हूँ कि बुद्धि एक प्रकार की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझने की क्षमता हमारी बुद्धि है। आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता हमारी बुद्धि है। आप कह सकते हैं इट इज एबिलिटी टू थिंक, कुछ भी हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे तर्क करते हैं, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, ये सभी हमारी योग्यताएं क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। आप कह सकते हैं कि इट इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, वातावरण में एक व्यक्ति किस प्रकार से समायोजन करता है, उसकी वो योग्यता ही उसकी बुद्धि है। अब एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्धि कैसा कंसेप्ट है, ये वंशानुगत है या ये वातावरण है। आप ध्यान रखिएगा, ये एक हेरिडिटिकल टर्म है, क्योंकि जन्मजात होती है बुद्धि, व्यक्ति में जन्मजात होती है। आप ये चीज याद रखिएगा कि ये क्षमता व्यक्ति में जन्मजात होती है। जो जो वो विकसित होने लगता है, वातावरण के प्रभाव से बुद्धि का विकास जरूर होता है, लेकिन वातावरण से बुद्धि अर्जित नहीं की जाती। इट कैनॉट बी एक्वाइंटेड थ्रू एनवायरमेंट, इट इज अ हेरिडिटिकल कंसेप्ट। आई होप सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि बुद्धि क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बुद्धि एक प्रकार की क्षमता है, क्या करने की, किसी चीज को समझने की, किसी समस्या का समाधान करने की, अमूर्त चिंतन करने की, या यूं कह लीजिए अपने वातावरण में समायोजन करने की। देखिए, आप बात करते हैं आईक्यू की, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला कंसेप्ट आईक्यू का ही कंसेप्ट है। आईक्यू की अगर बात करें तो हो सकता है आपसे कोई पूछ ले आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है, आप कहेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट, जिसे हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, बुद्धि लब्धि कहेंगे। इसके अलावा इट इज अ स्कोर दैट मेजर्स रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये वो अंक है जिससे हम व्यक्ति की योग्यता को माप पाते हैं। तो इट इज नोन एज आईक्यू। अब देखिए, अक्सर जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा होगा कि बुद्धि का कंसेप्ट किसने दिया, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, और इस प्रकार से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपके लिए इस चीज को बिल्कुल सिंपल करके कर दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है 1905। देखिए, अगर मैं 1905 की बात करूं तो 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, बुद्धि का परीक्षण दिया था। इन्होंने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया था जिससे हम किसी व्यक्ति की बुद्धि को माप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1908 में बीने ने मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम मेंटल एज क्या होता है, मानसिक आयु क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है। अब बच्चा 10 साल का है, लेकिन इस बच्चे में क्षमता है कि वो 12 साल के बच्चे जो भी सोच सकते हैं, जो भी करिकुलम उनका होता है, या जो भी समस्या का वो समाधान कर सकते हैं, ये बच्चा भी वो कर सकता है। तो इस बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष कहलाएगी।
ठीक है, आगे और कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, एक बार आगे देख लेते हैं। 1912 में स्टर्न गेव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। अब बात आती है 1916 में टर्मन ने, ही गेव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया? अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया, तो क्या आंसर होगा? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया, तो अलग आंसर होगा। मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया, तो अलग आंसर होगा। अभी इन सबको याद रखने की ट्रिक मैं आपको जस्ट अभी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, MA अपॉन CA इंटू 100। अगर आपको किसी का IQ कैलकुलेट करना है तो आप MA अपॉन CA इंटू 100 कीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम MA क्या होता है, तो मैंने कहा यहाँ पे MA का मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स नहीं, यहाँ पे MA का मतलब होगा मेंटल एज, और CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इसका मतलब होगा क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि व्यक्ति की वास्तविक आयु उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी और उसकी मानसिक आयु उसकी मेंटल एज होगी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमें किसी बच्चे का IQ निकालना है और उसकी वास्तविक आयु 10 साल है, क्योंकि उसका जन्म मान के चलते हैं 2010 में हुआ था और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो बच्चा कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया। ये उसकी वास्तविक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, राइट। लेकिन ये बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो 12 साल के बच्चे काम कर सकते हैं ये वो सारे काम कर सकता है, ये बिल्कुल उस तरीके से सोच सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करता है, तो हमने कहा कि इसकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज कितनी है, 12 वर्ष है। अब हमने इसे 100 से गुणा कर दिया, जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 120। इसका मतलब इस बच्चे का IQ क्या निकला, 120। अब टर्मन ने टेबल दी हुई है, आपको पता चलेगा 120 जिनका IQ होता है वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जीनियस कैटेगरी के होते हैं, राइट। देखिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही इजीली समझा देती हूँ, देखिएगा। आपने दिल्ली में बहुत ही फेमस जगह ISBT जरूर सुना होगा, ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यानी के कश्मीरी गेट के पास जो है। अब देखिए मैंने उसी को क्या कर दिया, ट्रिक बना दिया ISBT। अब हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे थे, IQ, तो इसका मतलब आई से हमने क्या कर लिया, एक एक्रोनिम बना लिया, आई का मतलब IQ। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि IQ का कंसेप्ट यानी के संप्रत्यय किसने दिया, तो आप याद करेंगे S से स्टर्न का नाम याद कर लेंगे, राइट, इजीली आप बता पाएंगे। फिर मैंने कहा कि यहां लिखा है B, तो B से आप याद करेंगे बीने, लेकिन बीने ने क्या दिया था, ध्यान से पढ़िएगा, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। अगर पूछा कंसेप्ट ऑफ IQ किसने दिया, तो आप आंसर क्या देंगे, स्टर्न। अगर पूछे कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया, तो आप आंसर क्या देंगे, बीने। अब बात आ जाती है कि IQ का फॉर्मूला किसने दिया, तो आप एक बार बोलिए T फॉर टर्मन, T फॉर टेबल, आपको याद हो जाएगा कि IQ की टेबल किसने दी थी, टर्मन ने दी थी, इसीलिए हमने इजीली इस ट्रिक से याद कर लिया। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।